माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये सदन चर्चा और संवाद के लिए है। यहां पर हम नीतियों की बात करें, पॉलिसी की बात करें, अच्छी चर्चा हो, जन कल्याण की चर्चा हो, ये सदन इसके लिए बना है। मेरा आपसे आग्रह है कि अगर हम जनता का कल्याण करना चाहते हैं और ये सदन को हम लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कम से कम सदन पर टिप्पणी नहीं करें। ये आपका लोकतंत्र का मंदिर है, हम सबके आस्था का केंद्र है। आप प्रयास करना चाहिए कि सदन के अंदर और सदन के बाहर कभी भी संसद के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं माननीय सदस्यों फिर आग्रह कर रहा हूं, ये सदन चर्चा, नीतियां, पॉलिसी के लिए है। अच्छा हो आप नीतियों पर बात करो, पॉलिसी पर बात करो, मुद्दों पर बात करो, ये इस तरीके से तख्तियां लाना उचित नहीं है। मैं आपको फिर आग्रह कर रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, ये सदन तख्तियां लाने के लिए नहीं है, ये सदन चर्चा मुद्दे के लिए है। आप अपनी अपनी सीट पर जाइए, मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा। ये गलत तरीका है। सदन में मैं आपको आग्रह पूर्वक कह रहा हूं कि कभी भी तख्तियां, नारेबाजी सदन में अलाउ नहीं है। पीयूष जी, सभापति जी, ये बहुत गंभीर विषय है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक सदन का मेंबर जिस प्रकार से विदेश में जाके भारत के सदन का अपमान करता है, पार्लियामेंट का अपमान करता है, वो जब तक माफी नहीं मांगे तब तक इन सबके ऊपर एक प्रकार से कोई जिम्मेदारी एलोकेट की जाए। और अगर इनको कोई अपमान नहीं लगता है और ये इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो मेरा मानना है कि जो तख्ती है प्लीज इनको सस्पेंड किया जाए। माननीय सदस्यगण, इस सदन की मैंने पहले भी आग्रह किया था आपको, सभी को सस्पेंड किया जाए। ये सदन है, आप ये तख्तियां नारेबाजी करने का अधिकार आपको लोकतंत्र में बाहर है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? क्या ये उचित है आपके लिए? क्या मेंबर का ये कंडक्ट उचित है क्या? प्लीज माननीय सदस्य अपनी अपनी सीट पर जाके बैठे। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।